जैसा कि मानसून का इंतजार सबको होता है और ख़ास तौर से किसानों को तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी खेती बहुत कुछ मानसून पर निर्भर है। और इस बार केरल का मानसून 4 दिन लेट होने के बाद 8 जून को पहुंचा है, जो कि हर बार 1 जून तक आ जाता था। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में मानसून की बात करें तो ये मानसून जून के अंतिम सप्ताह में आता है। अलग अलग हिस्सों की बात करें, लखनऊ में 23 जून तक संभावना व्यक्त की जाती है कि मानसून पहुंचेगा, लेकिन चूंकि 4 से 5 दिन लेट मानसून चल रहा है तो इसलिए ऐसी संभावना मौसम विभाग के द्वारा भी जताई गई है कि इस बार 27 से 28 जून तक मानसून पहुंचने की अनुमान है। आज की स्थिति में मानसून की बात करें, जो हमारा मानसून केरल में 1 तारीख को आ जाता था, वह 4 तारीख को ऐसा अनुमान जताया गया था कि 4 तारीख को आ जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में 4 तारीख को भी मानसून हमारा 4 दिन लेट रहा। और आज की अगर हम बात करें 8 तारीख 8 जून को, तो 8 जून को मानसून हमारा प्रवेश कर चुका है। बहुत ही अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए। लेकिन अगर हम लखनऊ जनपद की बात करें तो लखनऊ जनपद में 23 जून तक मानसून आ जाता था, लेकिन ऑलरेडी मानसून 4 दिन लेट चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 27-28 जून तक लखनऊ जनपद में मानसून आ सकता है। अच्छा, इस बीच में जो किसान खरीफ की तैयारी करते हैं या नर्सरी डालते हैं या धान की, जिनकी नर्सरी कुछ लोगों की तैयार है, वो रुपाई भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि जो भी धान की नर्सरी डाले हैं, अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रखें और साथ में सुबह और शाम अपने खेत पर जरूर विजिट करें। और आम की जो भी पैदावार किसान भाई कर रहे हैं, उनको भी अपने आम में क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखना है। साथ ही साथ जो भी हमारी जैसे हरी खाद की फसलें हैं, जो इसकी आपने बुवाई कर दी थी पिछले महीने, अगर उसमें भी आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर दें। और क्योंकि हीट वेव चल रहा है, ऐसे में मृदा में नमी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगी तो आपका पौधा, आपके जो प्लांट है, जल्दी मुरझा जाएंगे। और जो भी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो धान की नर्सरी के लिए या जो हीट वेव है बहुत ही घातक है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में जरूर नमी बनाए रखें। हरमेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।